ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से बाहर कर जहां भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप का बदला पूरा किया, वहीं 2022 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की 10 विकेट की हार को भी भारत ने सूद समेत वापस कर दिया है। इंग्लैंड जो काफी आत्मविश्वास से भरी लग रही थी, आज मैच में उनकी टीम को दुगना लगान देना पड़ गया, जहां कॉन्फिडेंट रोहित शर्मा ने टॉस हारने के बावजूद फिर से अपनी ताबड़तोड़ पारी से भारत को ठोस शुरुआत दिलाई। वहीं कोहली और पंत के जल्दी आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार ने अपनी धमाकेदार बैटिंग से टीम को काफी मजबूती दी। रोहित शर्मा फिर अपने जौबन पर दिखे और उन्होंने शानदार 50 ठोका। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी दमदार शॉट्स लगाकर जडेजा और अक्षर की मदद से 172 का मजबूत लक्ष्य दिया। अक्षर पटेल का जादू बॉलिंग में भी चढ़ के बोला, 2022 की पुरानी यादों को पीछा छोड़ भारत ने बहुत जल्दी इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर समेट दिया। अक्षर और बुमराह इंग्लिश टीम पर धाबा बोलते दिखे, वहीं कुलदीप की फिरकी भी उनको समझ नहीं आई। भारत ने इंग्लैंड को 68 रन के भारी अंतर से शर्मसार करने वाली हार से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब भारत 13 साल बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए दमदार साउथ अफ्रीका से फाइनल में भिड़ते दिखेगी।